रेडियो चैन पर देसी ते देश विदेश दी खबरां दा बुलेटिन लैके गगनदीप हाजिरा। सब तो पहले नजर मारदे आं अज दीआं मुख खबरां ते। कोविड 19 लड़ाई दे विच भारतीय मूल दे डॉक्टरां दे योगदान दे लई डोनाल्ड ट्रंप ने कीता धन्नवाद। अमेरिका दे विच कोरोना वायरस दा कहर लगातार जारी, 24 घंटे दे विच 52,000 नवे मामले आए सामने। लड़ाकू जहाजों की खरीद नूं दित्ती मंजूरी, भारत चीन खिचोतन विचाले मोदी सरकार दा वड्डा फैसला। राहुल गांधी का आया बयान, जनता देवेगी करारा जवाब, गरीबों तो उन्हां दी जीवन रेखा खो रही है सरकार। हाथ च कटोरे फड़ के भीख मंग, जिम संचालकों ने किया डीसी दफ्तर अगे प्रदर्शन। 2022 दे विच पंजाब दी राजनीतिक पिच ते खुल के बैटिंग करन दे रौह विच नवजोत सिद्धू। हुण खबरां विस्थार नाल। अमेरिका नाल संबंधित वाशिंगटन दवाई खबर के अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमरीकियों समेत सारे डॉक्टरों, नर्सों और सेहत देखभाल पेशेवरों का शुक्रिया अदा किया है। इन्हों सारे ने कोरोना वायरस ग्लोबल महामारी के लड़न के लिए निष्काम भावना के नाल विशेष कोशिशां कीतियां ने। व्हाइट हाउस की सहायक प्रेस सकत्र कैरोलीन लिविट ने कहा है कि कोरोना वायरस महामारी के विरुद्ध लड़ाई के 1,00,000 तो वधेरे भारतीय अमरीकी डॉक्टरों ने योगदान दिता है ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਵਿਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਗਲੋਬਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫਰੰਟ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस कोरोना वायरस रिसर्च सेंटर के मुताबिक इस ग्लोबल महामारी ने दुनिया भर के 1 करोड़ तो वधेरे लोगों अपनी चपेट के लै लिया है। अमेरिका इस बीमारी नाल सब तो वध प्रभावित होया है। उत्थे पीड़ितों की गिनती 27,00,000 तो वधेरे अते 1,28,000 तो वधेरे लोग इस वायरस कारण अपनी जान गवा चुके ने। अमेरिका के वाशिंगटन नाल संबंधित इस खबर के अनुसार अमेरिका के जानलेवा महामारी कोरोना वायरस का भयानक कहर जारी है। इस महामारी ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिते ने। अमेरिका दे विच बीते 24 घंटियां दे विच कोरोना वायरस दे 52,000 नवे मामले दर्ज किए गए ने। यह एक दिन दे विच मिलण वाले पीड़ित मरीजों की सब तो वड्डी गिनती है। इत्थे कोरोना वायरस पीड़ितों का अंकड़ा 27,00,000 दे पार पहुंच चुका है। अमेरिका दे टैक्सस, कैलीफोर्निया अते फ्लोरिडा दे समेत 14 सूबियां दे विच कोरोना वायरस दे मामले जून विच दुगने हो गए ने। इनफेक्शन की गंभीरता का अंदाजा इसे गल नाल लगाया जा सकता है कि टैक्सस अते एरीजोना सूबे के कुछ शहरों के ICU बैडा की कमी हो गई है। वर्ल्डोमीटर के ताज़ा अंकड़िया के मुताबिक अमेरिका दे विच कोरोना वायरस के नाल पीड़ित लोगों की गिनती 27,79,953 हो चुकी है, जदों की इन्हों 7,29,000 लोग सेहतमंद भी हुए ने। भारत नाल संबंधित नवी दिल्ली तो आई खबर के अनुसार भारत और चीन की खिचोतान विचाले मोदी सरकार ने देश के लिए वड्डा फैसला लिया है। यह फैसला मोदी सरकार ने देश की फौजी ताकत को होर मजबूत करने के लिए लिया है। रक्षा मंत्रालय वालों लड़ाकू जहाजों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वीरवार को हुई बैठक के रूस तो 33 नवे लड़ाकू जहाजों प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है, जिस 21 MiG-29 और 12 सुखोई लड़ाकू जहाजों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस दे नाल ही 59 MiG-29 लड़ाकू जहाजों के अपग्रेडेशन की भी मंजूरी दी गई है। इसकी कुल लागत 18,148 करोड़ रुपए आएगी। यह महत्वपूर्ण फैसला वीरवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगवाई दे विच रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक दे विच लिया गया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कुल मिला के 38,900 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी है। मोदी सरकार के इस फैसले नाल भारतीय रक्षा तंत्र होर मजबूत होगा। दस दिए कि भारत और चीन के विचाले लद्दाख की गलवान घाटी असल कंट्रोल रेखा LAC से हिंसक झड़प हुई सी। इस हिंसक झड़प दे विच भारत दे 20 भारतीय जवान शहीद हो गए ने। भारत ते चीन दे विच तनाव हले भी बरकरार है, इसलिए मोदी सरकार ने रक्षा ताकत नूं होर मजबूत करन दा फैसला लिया है। भारत नाल संबंधित नवी दिल्ली तो आई एक होर खबर दे अनुसार कांग्रेस दे साबका प्रधान राहुल गांधी ने 109 रेल मार्गां ते ट्रेनां चलाउण दे लई निजी इकाइयां नूं मंजूरी दित्ते जाण दे फैसले की आलोचना करदे हुए वीरवार नूं दोष लगाया कि सरकार गरीबां दी एकमात्र जीवन रेखा रेल उन्हां तों खो रही है। उन्होंने यह दावा भी किया है कि सरकार के इस कदम का जनता करारा जवाब देगी। गांधी ने ट्वीट किया है कि रेल गरीबों की एकमात्र जीवन रेखा है और सरकार उन्हां तो वह भी खो रही है। जो खोना है खो, पर याद रहे देश की जनता इसका करारा जवाब देगी। दसनयोग है कि रेल मंत्रालय ने 109 जोड़ी प्राइवेट ट्रेना चलाउण दे लई रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन RFQ मंगया है। सरकार नूं उम्मीद है कि इस दे नाल भारतीय रेलवे दे विच निवेश वधेगा।
ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 30,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਈ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਮ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਟੋਰੇ ਫੜ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਜਿਮ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਮ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਮ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੋਰੇ ਫੜ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ DC ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਮ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਈ ਖਬਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਡਗਰ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਾਕੜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੋਦੀ ਹੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹਾਰ ਨਾਲ ਹਾਈਕਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਖ਼ਤੇ 'ਚ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਚਾਨਕ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖਟਕਣੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਚੰਨ ਪਰਦੇਸੀ।